हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिकल बेसिस वन लाइनर क्वेश्चंस, यानी खेल समाज शास्त्रीय आधार से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहे उसका थ्योरेटिकल टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, चाहे एमसीक्यू चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, चाहे वन लाइनर पढ़ना चाहते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो, सभी चीजें आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बस आप डेली बेसिस से मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और डेली बेसिस में आपको एग्जाम वाइज कुछ न कुछ चीजें प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। वन लाइनर क्वेश्चन स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के बेसिस पर हम जानते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सभी एक एक चीजें आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आती हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है। दोस्तों, आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, मैंने किसी में टाइम वेस्ट नहीं किया है। बस आपको मैंने समझाया है कि आपको चाहिए क्या, उसके अनुसार मैं वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शारीरिक शिक्षा। क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट है कि किस देश में शारीरिक शिक्षा को पुराने समय से ही अधिक महत्व दिया गया है? तो किस देश में दिया गया है दोस्तों, बहुत पहले समय से ही शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व? तो यूनान को दिया गया है। किसको? यूनान को दिया गया है, ठीक है। यूनान को बहुत पहले से ही शारीरिक शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना होगा, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, ये ऐसे ऐसे काल है जहां पे महान से महान क्रियाएं वहीं से शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है? तो किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है दोस्तों? तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने, ठीक है। यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने शारीरिक प्रशिक्षण को, यानी जो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसको युवाओं के लिए विशेष आवश्यक माना है। और दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग जो है युवाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रोज डेली खाना खाने के लिए आपकी आवश्यकता है, नहाने के लिए आवश्यकता है, उसी प्रकार आपको कोई ना कोई फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एक्टिविटी अवश्य करना चाहिए। जैसा कि इसका वैज्ञानिकल इफेक्ट है, साइंटिफिक इफेक्ट है, रिसर्च करके पूरा बनाया गया है कि हमारे बॉडी के लिए फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल प्रशिक्षण या शारीरिक व्यायाम क्यों आवश्यक है। तो ये सब जानने के लिए आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल वाले वीडियोज को मेरे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप में सक्षम बनाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है दोस्तों चार्ल्स ए बूचर की। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी शारीरिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग शब्द आ जाए। जैसा कि दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व के बारे में मैं इतनी अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई हूँ शारीरिक शिक्षा की परिभाषा के बारे में, कि उस वीडियो के लिए एक बार आप देख लेंगे तो परिभाषा से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप कोई किताब ही उठा के नहीं देखेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं ट्रिक के साथ उसे बताई हूँ दोस्तों। शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। जहां भी शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग शब्द आ जाए, वहां आप समझ जाइएगा कि वो बात है चार्ल्स ए बूचर का, कि किसने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित
अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो इस बात को कहे हैं रोजालैंड कैसिडी। इसमें आपको की पॉइंट पकड़ना है कि केंद्रित अनुभव यानी जो भीतरी अनुभव और परिवर्तन शब्द जहां पे आ जाए वहां जान लीजिएगा कि वो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा रोजालैंड कैसिडी का है। ठीक है, भीतरी अनुभव और परिवर्तन शब्द। वहीं पे जब अनुभवों का सामूहिक प्रभाव और प्रक्रिया शब्द आ जाए तो जान लीजिएगा वो डेल्बर्ट ऑबर्ट यूफर का परिभाषा है। और जहां पे आपको संपूर्ण क्षेत्र दिख जाए वहां पे जान लीजिएगा कि वो जेबी नेस का परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा की तरफ देखते हैं, जेबी नेस जी का है। नेक्स्ट परिभाषा है, किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के विशेष क्षेत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विशेष क्षेत्र हो या संपूर्ण क्षेत्र हो, क्षेत्र शब्द को आप ध्यान में रखिएगा और क्षेत्र के साथ विशेष क्षेत्र का वह अंग है। ठीक है, विशेष क्षेत्र का अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनमें संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो जहां पर क्षेत्र शब्द आ जाए और मांसपेशियों शब्द आ जाए, बड़ी क्रियाओं का। ठीक है, मांसपेशियों, बृहद मांसपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं, प्रतिक्रिया शब्द आ जाए, वहां आप जान लीजिएगा कि वो परिभाषा है जेबी नेस जी का। नेक्स्ट परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यह परिभाषा है सीसी कोबेल का। यहां भी आपको की पॉइंट पकड़ना है कि व्यक्ति विशेष में सामाजिक परिवर्तन। क्या की पॉइंट पकड़ना है? व्यक्ति विशेष में सामाजिक, व्यक्ति विशेष के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यक्ति विशेष के व्यवहार में परिवर्तन आपको की पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है। तो जहां पे व्यक्ति विशेष के व्यवहार में परिवर्तन शब्द हो वहां आप जानिएगा कि वो सीसी कोबेल का परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बृहद पेशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होती है एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो की पॉइंट मिल रहा है, जैसा कि यह परिभाषा है सी एल ब्राउन वेल का। ठीक है, तो ब्राउन वेल जी का यह परिभाषा है, ब्राउन वेल का। ठीक है, यहां पे आपको की पॉइंट पकड़ना है कि संतुलित अनुभवों का जोड़ और चरम सीमा। क्या की पॉइंट पकड़ना है? संतुलित अनुभवों का जोड़, संतुलित अनुभवों का जोड़ और चरम सीमा। ये आपको की पॉइंट पकड़ना है। तो जहां पे संतुलित अनुभवों का जोड़ आ जाए और चरम सीमा तक, वहां पे रहेगा आपका सी एल ब्राउन वेल की परिभाषा। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? तो यह संबंधित है शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं भावनात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा हमेशा अनुशासन ही
सिखाता है, अनुशासनहीनता कभी नहीं सिखाता है। तो यह किससे संबंधित नहीं है? अनुशासनहीनता से। नेक्स्ट है कि लेसली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो लेसली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है स्नायु पेशी विकास, बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक विकास। ये इंपॉर्टेंट है, स्नायु पेशी विकास, बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक विकास, ये लेसली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है? ऐसा किसने कहा है दोस्तों? ऐसा कहा है कोबोल एवं फ्रांस ने। किसने कहा है ऐसा? कोबोल एवं फ्रांस ने, कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है। तो इस बात को कहे हैं कोबोल एवं फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किससे है? तो शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध है स्वनियंत्रण, खेल भावना एवं नेतृत्व से। ठीक है, नैतिक विकास का संबंध शारीरिक शिक्षा में होने वाले किससे है? स्वनियंत्रण, खेल भावना और नेतृत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद के कार्यक्रम अधिकांश कैसे होते हैं? तो जैसा कि आप सबको पता है, अधिकांश ये सामूहिक ही होते हैं और एथलेटिक में होता है जो व्यक्तिगत होता है ज्यादातर। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद के कार्यक्रमों का सामाजिक पक्ष किसका द्योतक है? तो यह है सामाजिक तथा सामाजिक गुणों के विकास का द्योतक है। सामाजिक तथा सामाजिक गुणों के विकास का द्योतक है। नेक्स्ट है, खेल कूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का नाम है? तो खेल कूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का क्या नाम है? खेल समाजशास्त्र। नेक्स्ट है, नियमों की व्यवस्था को समाजशास्त्री भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नियमों की व्यवस्था को समाजशास्त्री भाषा में संस्था कहते हैं, जिसमें एक खास नियम होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता ही है, यथार्थता को भी जाना जाता है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यह परिभाषा है थार्नडाइक की। किसकी है? थार्नडाइक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। खेल कैसी क्रिया है? मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है सला वसन की। नेक्स्ट है, खेल को ऐसा कार्य माना है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा है इरिक्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है स्टर्न की। दोस्तों, यह परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये परिभाषा पूछा गया है कि खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा है स्टर्न की। नेक्स्ट है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। यह परिभाषा है, तो खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है,
इस परिभाषा को दिए हैं वेलेंटाइन ने। नेक्स्ट है, खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो इस परिभाषा को दिए हैं रसेल ने। इन्होंने क्या कहा है कि खेल एक आनंददायक शारीरिक और मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। यह परिभाषा दिए हैं रसेल ने। नेक्स्ट है, खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह परिभाषा है हॉरलॉक की। तो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है बट अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता, इस की पॉइंट को याद रखिएगा। तो किसकी है परिभाषा? यह हॉरलॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। किसकी परिभाषा है? क्रो एवं क्रो की। तो इन्होंने क्या कहा है कि खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे कि आप कहीं भी होते हैं, जब सब कुछ काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मन करता है कि चलो थोड़ा खेल लेते हैं, यानी कि जब हर कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उस समय स्वतंत्र जो समय होता है वही खेल का समय होता है, वही क्रिया है। इस बात को कहे हैं क्रोयम क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल पर आधारित किंडर गार्डन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आविष्कार किया था फ्रोबेल ने। नेक्स्ट है, खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत यानी सरपल्स एनर्जी के प्रतिपादक है। सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सीलर और हर्बर्ट स्पेंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के मनोरंजन सिद्धांत यानी रिक्रिएशनल थ्योरी के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं लॉर्ड केम्स और एंड पैट्रिक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेल सिद्धांत जितने भी है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कौन किसका सिद्धांत है। नेक्स्ट है, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत यानी रिकैपिटुलेटरी थ्योरी के प्रतिपादक हैं। पुनरावृत्ति सिद्धांत यानी इसको पुनः अवलोकन सिद्धांत भी बोला जाता है दोस्तों, इसका प्रतिपादक है जी स्टेनली हॉल। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत यानी कि भविष्यदर्शी धारणा जिसको इंग्लिश में एंटीसिपेटरी थ्योरी भी कहते हैं के प्रतिपादक हैं, यानी पूर्वानुमान सिद्धांत यानी कि भविष्यदर्शी धारा एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रतिपादक हैं कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद को दूर करने के लिए तथा संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेल खेलते हैं? तो यह है आपका रेचन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत की बात है? ये रेचन सिद्धांत जिसके प्रतिपादक हैं अरस्तु। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? तो यह होता है आपका क्षतिपूर्ति सिद्धांत यानी सरपल्स एनर्जी थ्योरी। नेक्स्ट है, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे
अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेलते हैं। तो यह होता है आपका पूर्वानुमान सिद्धांत, यानी कि भविष्य दर्शी धारणा। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में वह स्वयं की इच्छा पर आश्रित होता है। इस बात को किसने कहा है? तो इसको कहा है रॉस ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में हुआ? तो यह हुआ यूनान में। नेक्स्ट है, खेलों का स्वर्ण युग किस देश में से संबंधित है दोस्तों? तो यह है यूनान देश से संबंधित। वहां के किस स्थान को, किस युग को कहा जाता था? तो उत्तर एथेंस काल को। इतना डिटेल में पूछेगा तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंड फादर किसे कहा जाता है? तो जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंड फादर गर्ट्स मर्स को बोला जाता है। नेक्स्ट है, जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो फेडरिक जान को जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य, तैराकी एवं मुक्केबाजी विशेष रूप से प्रचलित था। नेक्स्ट है, भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग का अभ्यास एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? तो वैदिक काल में योग का विकास हुआ, योग की शुरुआत हुआ और उसको एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है डेली रूटीन का। और दोस्तों, योग का शुरुआत तो वैदिक काल में हुआ, लेकिन उस पे प्रतिबंध कब लगाया गया ये भी पूछता है, तो मुस्लिम काल में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी है? तो यह प्रकृति एक धीमी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, आईओए का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसको भारतीय ओलंपिक संघ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, आईओए कब बना? तो इसकी स्थापना किया गया था, इसको बनाया गया था 1927 में। नेक्स्ट है, आईओए के बनने का में अहम भूमिका किसकी थी? तो आईओए में बनने का अहम भूमिका था डॉक्टर ए जी नुहरान एंड मिस्टर एच सी बक का। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, आईओए के प्रथम अध्यक्ष थे, आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मनोरंजन शब्द किस भाषा से के दो शब्दों का योग है? तो मनोरंजन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों का योग है। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से भाग लेना शारीरिक मानसिक तनाव में कमी एवं किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यह किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता है मनोरंजन की। नेक्स्ट है, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा है। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, यह परिभाषा है स्टर्न का, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वाभाविक क्रिया शारीरिक मानसिक क्रिया एवं आंतरिक लक्ष्य नहीं होता है, यह विशेषता किसकी है? तो यह है खेल की। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में शारीरिक मानसिक
और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास एवं अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग है। यह महत्व है किसका? यह महत्व है मनोरंजन का। तो दोस्तों ये था खेल समाजशास्त्री आधार से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, और इस ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद आने वाला वीडियो होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में मैं एक साथ सभी क्वेश्चंस को करा दूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको बोरियत भी महसूस होगा, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। और जो पार्ट बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और बेहतरीन तैयारी के लिए डेली बेसिस से बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।